सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन फोटो एडिटर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी फोटो के बैकग्राउंड को बदल सकते हो। किसी के भी फोटो पर आप अपना चेहरा लगा सकते हो, आप अपने कपड़ों का कलर वगैरह बदल सकते हो, और दोस्तों आप अपनी फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर भी कर सकते हो। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फोटो में एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन में एक फोटो एडिट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं इसे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे गेट ए पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। गेट ए पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड को ले लेना है। चलिए मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद में आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, और इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद में दो नंबर पे मिलेगा आपको इंसर्ट पिक्चर, और इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो को ले लेना जिस फोटो का बैकग्राउंड आप बदलना चाहते हो। तो चलिए मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉप वगैरह इसको कर लीजिए, और क्रॉप करने के बाद में आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पे, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी फोटो है वो आपके बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप अपनी फोटो को अपने हिसाब से कहाँ पे रखना है और आप वहाँ पे लेके आ जाइए। उसके बाद दोस्तों ऊपर से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों आपको ऊपर कटआउट के सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आगे वाला है वो है ब्रश का, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने ब्रश की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से चलिए मैं यहाँ से जो मीडियम साइज वाला है वो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मीडियम वाले पे सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपकी फोटो इस तरह की आ जाएगी। आपको यहाँ पे जूम इन अपनी फोटो को कर लेना है, और जूम इन करने के बाद में दोस्तों आपको अपनी अंगुली की मदद से आप इसको जो आपके जो फोटो के अलावा का जो पार्ट है आपको उसको पूरे पे आपको इस पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप जितनी अच्छी तरीके से सेलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो बैकग्राउंड है वो बदला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए इस तरीके से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा यहाँ से हट चुका है, और केवल ये फोटो यहाँ पे बची है। और इसमें दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कटआउट चाहिए, तो आप यस कर दीजिए। अब आपका जो कटआउट है वो भी आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। अब इस कटआउट को आप किसी भी बैकग्राउंड पे रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सेव पिक्चर टू एल्बम या नीचे सेव एज फाइल, इन दोनों में से आप क्लिक करके आप अपनी गैलरी में आप इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे एडजस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगर आप एक एक करके यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा ये एप्लीकेशन है। इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक आपके जो हर चीज है वो बैकग्राउंड है, चाहे आप आपके जो इसके कपड़ों का कलर है वो हर चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक बदली जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा एप्लीकेशन है और इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों अगर आप इसको प्ले स्टोर से ओपन करने की कोशिश करेंगे, डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये पैड है, इसमें आपको 200 रुपए लगेंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फ्री इसको डाउनलोड करने के बारे में बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में आना है, और ब्राउजर में आने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है PICSAY पिक्से प्रो। पिक्से प्रो लिखने के बाद में आपको इस पे क्लिक करना है, और पिक्से प्रो लिखने के बाद में दोस्तों इस तरह का पेज आएगा। तो आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्से प्रो APK 1.8.0.5 आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा आपके सामने यहाँ पे टाइम लेगा ये ओपन होने में। उसके बाद में इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप लिखा मिलेगा आपको डाउनलोड APK 1.48 MB, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो APK है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल ये फ्री है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।